Hey guys, this is Shashank and welcome back to my channel. I hope you are doing absolutely good. So, मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक आइटिनरी बताने वाला हूँ जो 5 दिन और 4 रातों की होने वाली है. सो ये आइटिनरी में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग कोर्ग, ऊटी, कुन्नूर और कोयम्बतूर कैसे घूम सकते हैं, जिसमें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं, फिर आप लोग यहाँ पर क्या अकोमोडेशन ले सकते हैं बजट में, लग्जरी में, मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेसेस आपको बताने वाला हूँ, फिर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग लोकली यहाँ पर कैसे घूम सकते हैं, क्या ऑटो टू व्हीलर अवेलेबल है कि नहीं है, फिर आप लोगों को फूड ऑप्शन मार्केट ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ कि हम लोग कहाँ खा रहे हैं, क्या आप शॉप कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि सबसे अच्छा टाइम क्या है यहाँ पर आने के लिए, टेम्परेचर क्या रहता है, फिर यहाँ पर लोकल लोगों का कैसा बिहेवियर है, लोकल लोग हिंदी समझते हैं कि नहीं समझते, वो भी मैं बताने वाला हूँ, फिर आप लोगों को मैं नेटवर्क के बारे में भी अपडेट देने वाला हूँ कि कौन सा नेटवर्क यहाँ पर बेस्ट आता है, फिर आप लोगों को मैं बजट शीट भी देने वाला हूँ इन द एंड ऑफ द वीडियो कि आप लोग कैसे बजट में इसको ट्रैवल कर सकते हैं, मेरा कितना खर्चा हुआ, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और आपको आइटिनरी भी देने वाला हूँ विद मैप एंड ऑल एवरीथिंग. सबसे पहला दिन आप लोग कुर्ग में अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग कैसे आ सकते हैं, आप लोग 3 तरीके से आ सकते हैं. नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कुर्ग का, वो मैसूर है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट भी मैसूर है, बैंगलोर भी है अगर आपको कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए तो, और अगर आप लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो मैसूर और बैंगलोर से आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी KSRTC की. ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को लास्ट में टिप्स भी देने वाला हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने लिए. लीजिए पहली बात अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं, तो अकोमोडेशन आप लोग मधिकेरी में लीजिए क्योंकि वहाँ पर बजटेड होटल, बजटेड होमस्टे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. अगर आप बजट होटल लेने का देख रहे हैं तो आप लोग बजट होटल 1000-1500 रुपये में होटल ले सकते हैं डबल ऑक्यूपेंसी, और अगर आप लोग होमस्टे देख रहे हैं तो 2BHK 3000-2000 में भी मिल जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से सीज़न आ रहे हैं. लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले टू व्हीलर आपको मिल जाएगी, आपको टैक्सी मिल जाएगी और आपको ऑटो भी मिल जाएगा. अगर टू व्हीलर की बात कर लेते हैं तो टू व्हीलर आपको 500-600 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाएगा, और अगर आप लोग टैक्सी की बात करते हैं तो 2500-2500 रुपये लेते हैं टैक्सी वाले फॉर अ डे, और अगर आप लोग ऑटो की बात करते हैं तो 1000-1200-1500 में ऑटो मिल जाता है जिसमें 3-4 लोग आप बैठ सकते हो. तो गाइस लोकल लैंग्वेज और उनके बिहेवियर के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो लोकल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, अच्छे से बात करते हैं. हिंदी काफ़ी लोगों को आती है तो आप लोगों को लैंग्वेज के बैरियर तो नहीं आने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश ओके यार. और अगर नेटवर्क की बात कर लेते हैं तो एयरटेल जियो का अच्छा नेटवर्क है, आप लोगों को नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं होगी. तो गाइस बेस्ट टाइम टू विजिट यहाँ पर जो है वो नवंबर से मई तक रहता है, जो ज़्यादा अच्छा बोला जाता है, क्लियर जो वेदर रहता है वो मई जून बोला जाता है यहाँ पर, तो आप लोग उस हिसाब से प्लान करिए. बाकी काफ़ी प्लेजेंट टेम्परेचर रहता है यहाँ पर. सो कुर्ग के बारे में जान लेते हैं, तो कुर्ग जो है वो कॉफ़ी स्टेट है, उसको कोडुकू बोला जाता है, जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, उसके एक छोटा सा टाउन जो है वो मधिकेरी है, तो मधिकेरी एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें आसपास मिल जाएगी. सो पहले दिन की आइटिनरी की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप लोग जाइए कर्नाटका की फर्स्ट ग्लास ब्रिज को देखने, जो मधिकेरी कुर्ग से कुछ 6 किलोमीटर पड़ जाता है. इसकी टिकट कॉस्ट 200 रुपये पर पर्सन है. 5 साल से नीचे का बच्चा अलाउड नहीं है ब्रिज पे. 105 फीट की लंबाई है इस ब्रिज की. यहाँ पर आप लोग इन्जॉय करेंगे 180 डिग्री व्यू ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशन. वीकेंड पर रश हो जाता है काफ़ी. ब्रिज पर आप लोगों को 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, सो डोंट मिस अगर आप लोग कुर्ग आ रहे हैं तो. उसके बाद आप लोग जाइए ताला कावेरी. बेसिकली एक कावेरी ओरिजिनेटेड पॉइंट है, मतलब कावेरी नदी वहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी, वहाँ पर संगम भी है, बहुत ही खूबसूरत है. आप ऊपर जाएंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा, माउंटेन्स के ऊपर बनाया हुआ है. और सबसे मेन चीज़ वहाँ पर यह है कि आप लोग हाफ पैंट या ऐसा कुछ पहन के ना जाइए, आप लोग नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के जाइए, वो लोग अलाउ नहीं करते हैं. दूसरी चीज़, उसके बाद आप लोग ताला कावेरी देखने के बाद आप लोग जाइए AV फॉल्स. जो AV फॉल्स है वो बेसिकली 70 फीट से ऊपर पानी गिरता है और बहुत ही अमेजिंग स्पेक्टेकुलर व्यू आता है. सो जो भी प्लेसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टिकट कॉस्ट है और टाइमिंग से वो स्क्रीन पे आ जाएगा. AV फॉल्स के बाद आप लोग जाइए राजा सीट. बेसिकली इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि वहाँ पर राजा बैठ के पूरा व्यू लुफ्त उठाते थे, और बहुत ही अच्छा पॉइंट है वो, आप लोग 3-4 घंटे वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं. उसके बाद आप लोग जाइए आप लोग ओमकारेश्वर दर्शन करने, मंदिर के दर्शन करिए आप लोग, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है ये. बेसिकली इस्लामिक स्टाइल में बनाया हुआ है, राजा ने, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी थी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल चीज़ों के लिए, तो उसकी वजह से उनको उन्होंने प्राश्चित करने के लिए वो मंदिर बनाया. काफ़ी खूबसूरत है, वहाँ पर फोटोग्राफी ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है. बाकी आप लोग ज़रूर जाइए, अगर आप लोग मधिकेरी में रुक रहे हैं तो वो आसपास हमारे होटल के तो बिल्कुल बाजू में ही था वो. उसके बाद आप लोग जाइए मधिकेरी फोर्ट,
वो फोर्ट भी वहीं पर है, उसके पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मधुगिरी फोर्ट भी काफ़ी पुराना फोर्ट है, काफ़ी ब्यूटीफुल फोर्ट है, आप लोगों को अच्छा लगेगा जाने में। फिर दिन का आप लोग एंड यहाँ पर करिए। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को लंच या डिनर करना है तो बिग कफ कैफ़े एक बढ़िया कैफ़े है वहाँ पर। वुडन फायर जो पिज़्ज़ा होता है वो मिलेगा आपको, फ्रेश पिज़्ज़ा, काफ़ी अमेजिंग पिज़्ज़ा है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको खाने में। और लोकेशन अच्छी है, एम्बियंस अच्छा है, और आप लोगों को वहाँ पर मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी भी मिलेगी जो होती है वर्ल्ड की। काफ़ी अच्छी जगह है वो खाने के लिए। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे टू। अभी हम लोग की दिन की शुरुआत हो रही है मंडलपट्टी से, तो हम लोगों ने जीप यहाँ से ले ली है, हमारे होटल में जीप आ गई थी। बाकी बहुत ही खूबसूरत व्यू है, आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, क्लाउड्स बेड्स हैं। बाकी जीप के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, अगर आप लोग एवी फॉल्स आ रहे हैं ना तो वहाँ से आप लोगों को जीप मिल जाएगा, वहाँ पर 500 रुपये पर पर्सन लेते हैं, और अगर आपको पूरा जीप लेना है तो 2500 रुपये लेते हैं। अगर आप फैमिली में आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, तो आप लोग पूरी जीप ले सकते हैं। आप लोगों को मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा जो हमारे जीप ड्राइवर हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपके होटल पर आ जाएंगे, वहीं से आप लोगों को पिकअप कर लेंगे। उसके बाद आप लोग जाइए क्लिहोले रिजर्वर। फ़िलहाल तो हम लोग जब गए थे तो वहाँ पानी नहीं था, क्योंकि एक ऐसा ब्यूटीफुल 360 डिग्री एक वाटरफॉल टाइप है, वो रेनी सीजन में बेसिकली दिखता है। उसके बाद आप लोग जाइए एलिफेंट दोबारे कैंप। लोगों को सजेस्ट करूँ तो आप सुबह 8 से 11 के बीच में ही जाइए, क्योंकि सुबह 8 से 10:30 बजे तक ही वहाँ पर एलिफेंट्स को बाथिंग कराते हैं, वो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग टच कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। उसका एक अलग टिकट है एलिफेंट टच करने का, वो 200 रुपये लेते हैं। फिर उसके बाद आप लोग अंदर ही जाएंगे तो बहुत सारे एलिफेंट, 23 के अराउंड एलिफेंट है वहाँ पर, और बहुत अच्छे से आप लोग उनको खिला सकते हैं। 50 रुपये का एक फूड पैकेट देते हैं वो लोग, वो आप लोग एलिफेंट को दे सकते हैं। बाकी उसके बाद आप लोग एलिफेंट दोबारा कैंप के बाद जाइए आप कावेरी निसर्ग धामा। कावेरी निसर्ग धामा बेसिकली एक छोटा सा आइलैंड है, एक ब्रिज है, ब्रिज से जाना पड़ता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको, ज़िपलाइन, डियर्स, फिर बर्ड पार्क, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेंगी, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, जन्नत है वहाँ पर, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। 2-3 घंटे आप लोग वहाँ स्पेंड कर सकते हैं, और वहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पर खाना भी खा सकते हैं अगर आपको इच्छा हो वहाँ पर खाना खाने की। कावेरी निसर्ग धामा के बाद आप लोग जाइए गोल्डन टेम्पल, जो एक मॉनेस्ट्री है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छे से बनाई है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अभी वहाँ पर आप लोग अंदर जाके मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं आप लोग की मॉन्ग कैसे लाइफ जीते हैं वहाँ पर। एक्चुअली हॉस्टल भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, मैंने भी मॉन्ग से बात करी थी तो मेरे को पता लगा कि कैसे वो लोग लाइफ जीते हैं। उसमें लॉर्ड बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है, तो वो आप देखिए, और भी काफ़ी चीज़ें हैं आसपास देखने के लिए, वहाँ पर आप 1-2 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जाइए हिरंगी डैम, वो काफ़ी बड़ा डैम है और काफ़ी खूबसूरत डैम है, वाइब्स है वो अलग है, वहाँ पर भी फ्रेश एयर है क्योंकि वो जंगलों के बीच में बनाया हुआ है, और काफ़ी अच्छा है, हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। फिर अगर आप लोग दूसरे दिन की आइटिनरी यहाँ ख़त्म कर देते हैं तो थर्ड डे की आइटिनरी में आप लोग सुबह सुबह निकल जाइए ऊटी के लिए, जिसको उद्गम मंडलम भी बोला जाता है। आप लोग सुबह अगर 5-6 बजे निकलेंगे तो 12 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे, क्योंकि 6-7 घंटे लग जाते हैं उसको पहुँचने में। ऊटी में आप जो अकोमोडेशन है वो आप बस स्टैंड के आसपास लीजिए, क्योंकि बस स्टैंड के आसपास काफ़ी अच्छे बजटेड होटल हैं, और आपको यहाँ भी 1500-2000 तक बजट होटल मिल जाएगा। और अगर आप लोग लग्जरी देख रहे हैं तो भी 3-4 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब आप ऊटी पहुँच जाते हैं तो ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस बोला जाता है, और ये ऊटी जो है वो तमिलनाडु में आता है बेसिकली, और काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ पर फैंस और ये सब का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो ऑल द टाइम 12 मंथ्स बहुत ही प्लेजेंट और ब्यूटीफुल टेम्परेचर होता है। तो बात कर लेते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ पर 2-व्हीलर बेसिकली अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन है टैक्सी एसोसिएशन की, मगर फिर भी आपको कोई कोई जगह 2-व्हीलर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, तो अगर आप लोग 2-व्हीलर ले रहे हैं तो 2-व्हीलर ले लीजिए, अगर आप लोग ऑटो करना चाह रहे हैं तो ऑटो ले लीजिए, और टैक्सी करना चाह रहे हैं तो टैक्सी ले लीजिए। ऑटो जो है वो 1200-1500 के आसपास मिल जाएगा, टैक्सी 2-2500 रुपये में मिल जाएगी आपको। ऊटी की बात कर लेते हैं थर्ड डे की आइटिनरी, तो सबसे पहले आप लोग होटल में चेक इन करने के बाद जाइए आप लोग नीलगिरी फॉरेस्ट। नीलगिरी फॉरेस्ट बेसिकली थोड़ा दूर है यहाँ से, और काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप लोगों को बहुत बड़े बड़े प्लांट्स दिखेंगे, बहुत ही सीनिक है, फोटोजेनिक है, और बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग वहाँ ज़रूर जाइए, आप लोग दिन का स्टार्ट करिए नीलगिरी फॉरेस्ट से। उसके बाद आप लोग जाइए नीडल व्यू पॉइंट, तो मैं आप लोगों को ये जो बता रहा हूँ ये एक ही रूट पे है, आप लोगों को एक ही रूट पे जाना पड़ेगा। नीडल पॉइंट से आपको 360 व्यू मिलेगा, आपको पूरा बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा नीलगिरी माउंटेन्स का, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको जाने में। जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो सीनियर सिटीज़न के लिए ओके हैं, क्योंकि ये सारी जगह जो हैं ये वॉकेबल हैं, बहुत दिक्कत नहीं होगी। फिर नीडल रॉक के बाद आप लोग जाइए पायकारा वाटरफॉल, पायकारा लेक, आपको पायकारा लेक में अगर
बोटिंग करनी है तो आप लोग पाइकरा लेक में बोटिंग कर सकते हैं, और पाइकरा वाटरफॉल वहाँ से थोड़ा दूर है, पैदल चल के जाना पड़ेगा, मगर 100% वर्थ इट है। पाइकरा वाटरफॉल्स के बाद आप लोग जाइए वैन लॉक शूटिंग पॉइंट। बेसिकली वो शूटिंग पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर दीवाना कुछ कुछ होता है ऐसी मूवीज़ की शूटिंग हुई थी, इसलिए उसको शूटिंग पॉइंट बोला जाता है। वो भी थोड़ा ऐसा चल के जाना पड़ेगा, उसमें भी आपको 360 व्यू मिलेगा, काफ़ी अच्छा है वो भी और ख़ूबसूरत है, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, मस्ट विज़िट प्लेस है यहाँ का ऊटी का। उसके बाद आप लोग जाइए पाइन फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप लोगों को पाइन ट्रीज़ देखने मिलेंगे, काफ़ी टाइप के पाइन ट्रीज़ हैं वहाँ पर, और आप लोगों को वहाँ पर पाइन ट्री आप वॉक करके जाएंगे तो वहाँ पर लेक मिलेगा, आप लोगों को लेक पे बैठ के आप लोग आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत ही काम है, आप लोग चिड़िया की चहचहाक सुन सकते हैं, वहाँ पर डक्स रहती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ रहती हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो थर्ड दिन की आइटिनरी आप लोग यहाँ ख़त्म करिए। सो गाइस चौथे दिन की आइटिनरी की बात कर लेते हैं, तो आप लोग ऊटी से जाइए कुन्नूर। तो कुन्नूर कैसे जा सकते हैं, आप लोग रोड से भी जा सकते हैं 19-20 किलोमीटर, मगर मेरा सजेशन रहेगा आप लोग टॉय ट्रेन से जाइए, क्योंकि नीलगिरी माउंटेन्स की टॉय ट्रेन अमेजिंग है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। सो हम लोगों ने 9:15 बजे वाली टॉय ट्रेन पकड़ी थी, आप लोग भी वो ले सकते, स्क्रीन पे टाइमिंग आ रहा होगा टॉय ट्रेन का और फेयर का। तो एक घंटा लगता है करीब करीब 19 किलोमीटर, मगर ये जो स्ट्रेच है अगर आप लोग उदगा मंडलम मतलब ऊटी से मैथुपटलम तक जाते हैं तो ये पूरा स्ट्रेच 46 किलोमीटर। अगर आप लोग कोयम्बतूर से ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग ऊटी जो है टॉय ट्रेन से ही आइए, मैथुपटलम तक आप लोग बस से आइए या कैब से आइए, वहाँ से आप लोग टॉय ट्रेन लेके ऊटी आइए, बहुत ही अमेजिंग सफ़र है। नीलगिरी माउंटेन्स है, बेसिकली जो नीलगिरी माउंटेन्स है वो 3 स्टेट्स को जोड़ता है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा आपको। नीलगिरी माउंटेन्स भी इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये नीला कलर का माउंटेन शो होता है दूर से, इसलिए इसको बेसिकली नीलगिरी माउंटेन्स है। और काफ़ी पुरानी ट्रेन है ब्रिटिश के ज़माने की, और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, बच्चों के लिए को बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलती, आप लोग लुफ्त उठाते हुए जा सकते हैं। आप लोग जैसे ही कुन्नूर पहुँच जाते हैं, कुन्नूर में आप लोगों को काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, आप लोगों को स्टेशन के बाद ऑटो मिल जाएगा, टैक्सी मिल जाएगा, ऑटो आपको 1000 से 1200 रुपये लेगा, टैक्सी आपको अगर आप 8-10 लोग जा रहे हैं तो 2500 रुपये लेगा, 4-5 लोग जा रहे हैं तो 2000 रुपये लेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरे पास एक नंबर है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप लोगों को उनसे कांटेक्ट करना है तो। बाकी अगर आप लोग बात कर लेते हैं कुन्नूर की, तो कुन्नूर में आप लोग जाइए सबसे पहले सिम्स पार्क, वहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स, फ्लोरा, फौना सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, और आप लोग वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं 1-2 घंटे आराम से। फिर उसके बाद आप लोग जाइए वहाँ से स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट, स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट में आप लोगों को ऐसा माउंटेंस दिखेगा कि लेडी जो है वो स्लीपिंग मोड में है। जो पॉइंट है ये आसपास ही रहेगा तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, और कुन्नूर का सफ़र आपका बहुत ही खूबसूरत रहेगा। आप लोग कुन्नूर में जल्दी जल्दी नया घूम के आराम आराम से घूमें क्योंकि काफ़ी समय रहेगा आपके पास कुन्नूर में। स्लीपिंग लेडी के बाद आप लोग जाइए डॉल्फिन नोस व्यू पॉइंट पे, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है, वो बेसिकली आपको डॉल्फिन नोस का ऐसा पूरा व्यू देगा, और उसके सामने एक वाटरफॉल है और बहुत ही खूबसूरत है नीलगिरी माउंटेन्स, आप लोग ऊटी का व्यू मिलेगा और 360 पैनोरामिक व्यू मिलेगा, काफ़ी अच्छा और मज़ा आने वाला है आप लोगों को उस व्यू पॉइंट में। फिर उसके बाद आप लोग जाइए लैम्स रॉक, लैम्स रॉक भी आपको थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा, उसमें क्या है कि वो ब्रिटिश एक थे गवर्नर थे वो कोयम्बतूर के, उन्होंने वो जगह इन्वेंट की थी, फाउंड की थी, इसलिए उसको लैम्प रॉक बोला जाता है। अगर आप लोगों को टॉय ट्रेन से ही वापस आना है तो 4:30 बजे का लास्ट टॉय ट्रेन है, आप लोग टॉय ट्रेन से ही वापस आ सकते हैं, नहीं तो आप टैक्सी या कैब से वापस आ सकते हैं। फिर आप लोग जैसे ही ऊटी पहुंच जाएंगे तो 5वें दिन की आइटिनरी में आप लोग इंक्लूड करिए, सबसे पहले आप लोग जाइए बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट है इंडिया में, ऐसा बोला जाता है वन ऑफ द बिगेस्ट है इंडिया में, और इसको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, और 16th है इलीट क्लब का, 16 नंबर पे आता है इलीट क्लब में, काफ़ी ब्यूटीफुल है, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स मिलेंगे। मगर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है गार्डन विज़िट करने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो मार्च से जून होता है, तो आप लोग इस टाइम ही विज़िट करिए इसको, और यहाँ पर भी आप 1-2 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, फ़ोटोज़ वोटोज़ के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही पिक्चरिस्टिक प्लेस है, फ़ोटोज़ आप बहुत क्लिक करिए, हर जगह आप लोगों को फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आई हैं क्योंकि पूरा ऊटी, पूरा कुन्नूर, पूरा कुर्ग बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर उसके बाद आप लोग जाइए डोबा बेटा पीक, तो जो डोबा बेटा पीक है वो साउथ इंडिया की 2nd लार्जेस्ट पीक है, बेसिकली 24 नीलगिरी पीक्स हैं उसमें से हाईएस्ट पीक ये है, जो
पैनारोमिक व्यू देता है आपको कुन्नूर का, ऊटी का, सब बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो आपको ऊपर टेलीस्कोप भी मिलेगा। हम लोग गए थे तो वो बंद था बेसिकली बिकॉज ऑफ मौसम ख़राब था, मगर ये सब चीज़ें प्लेसेस घूमने के लिए आपको थोड़ा समय देख के आना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा फॉगी रहता है, तो फॉगी के चक्कर में कुछ दिखता नहीं है। मगर आप लोग अगर सही टाइम पे आएंगे तो आप लोगों को फॉग नहीं मिलेगा। दोबा बेटा पीक के बाद आप लोग जाइए टी फैक्ट्री विज़िट करने। हम लोग बेंच मार्क करके एक टी फैक्ट्री विज़िट करने गए थे, वहाँ चॉकलेट फैक्ट्री भी है। आप लोग टी फैक्ट्री विज़िट करिए कि कैसे टी बनती है, क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, कैसे इन्वेंशन हुआ था। और फिर आप लोग उसके बाद आप लोग वहीं पर चॉकलेट फैक्ट्री विज़िट करिए, आप लोगों को दिखाएंगे वो लोग कैसे बनती है, कैसे उसका प्रोडक्शन करते हैं। आप लोग आप भी बना सकते हैं खुद वो चॉकलेट, वो भी उसका कुछ चार्जेस हैं, वो भी आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग जाइए रोज़ गार्डन। रोज़ गार्डन जो है बेसिकली काफ़ी ब्यूटीफुल गार्डन है, वहाँ पर अराउंड 4-5 हज़ार टाइप के रोज़ेस हैं। रोज़ेस को भी देखने के लिए एक टाइम होता है, वो भी गर्मी का ही टाइम बेस्ट माना जाता है, मार्च और जून और मई। बहुत पिक्चरिस्टिक प्लेसेस हैं सारी और सीनियर सिटीज़न बच्चों को बहुत अच्छा लगने वाला है। उसके बाद आप लोग जाइए और दिन का एंड करिए, आप लोग आइए बोटिंग करने के लिए ऊटी लेक में। ऊटी लेक में बोटिंग करने के लिए आप लोगों को स्टीमर भी मिलेगा, फिर आप लोगों को पैडल बोट भी मिलेगा, आप लोगों को रो बोट भी मिलेगा। तो आप लोग तीनों टाइप की बोटिंग कर सकते हैं। प्राइजेस फिक्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि प्राइजेस आगे पीछे करते हैं। आप लोग 2 सीटर, 4 सीटर, 6 सीटर, 10 सीटर, सारी सीटर्स अवेलेबल हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी ब्यूटीफुल है ऊटी का लेक। और ये बेसिकली ये आर्टिफिशियल लेक है, इसको पानी रोकने के लिए ऊपर से जो माउंटेन से पानी आता था उसको रोकने के लिए बनाया हुआ है और काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। फिर आप लोगों को यहाँ पर दिन की अंत करना है और शाम का बस लेके आप लोग कोयम्बतूर अब जा सकते हैं। सो गाइज़, अगर आप लोग सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद ही कोयम्बतूर निकलना चाह रहे हैं तो आप लोग शाम को निकल जाइए, 3 से 4 घंटे लगेंगे। नहीं तो आप लोग नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग निकलिए सुबह सुबह और 4 घंटे में आप लोग कोयम्बतूर पहुँच जाएंगे। आप लोग वहाँ से जाइए गांधीपुरम बस स्टैंड कोयम्बतूर के, वहाँ से आप लोगों को बस मिलेगी 14D करके, जो स्पेशली आदियोगी ही जाती है। कुछ 30 किलोमीटर का सफ़र रहेगा, 1 से 1.25 घंटे में आप लोग पहुँच जाएंगे। आप लोग 11-12 बजे वहाँ पहुँच जाइए और पहुँचने के बाद आप लोग दर्शन कर लीजिए ध्यान लिंगा के, और आप लोग वहाँ पर आदियोगी का स्टैचू है वहाँ पर दर्शन कर लीजिए। सो आदियोगी कवर करने के बाद आप लोग अपना ट्रिप का एंड यहीं कर सकते हैं और आगे के लिए आप लोग यहीं से आपके डेस्टिनेशन पर निकल सकते हैं। तो कुछ अभी टिप्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हो सके तो थोड़ा बहुत खाना वाना लेके ट्रैवल कीजिए। अगर आप लोग स्नैक्स ये सब चीज़ें लेके ट्रैवल कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड। फिर आप लोग वार्म क्लोथ्स लेके ट्रैवल कीजिए, जैकेट्स, सॉक्स, कैप, ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर लेके आइए। और अगर आप लोग मानसून में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग मानसून में ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, और भी खूबसूरत हो जाता है मानसून में। और अगर आप लोगों को टॉय ट्रेन बुकिंग करनी है तो IRCTC की वेबसाइट से बुक कर लेना। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, जो भी मेरे पास है अवेलेबल, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर अगर मैं बात कर लेता हूँ जीप लोकेशन की, जिप लाइन लोकेशन की, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूंगा सारी चीज़ें। कि अगर आप लोगों को कॉफ़ी प्लांटेशन विज़िट करना है, टी प्लांटेशन विज़िट करना है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। अगर आप लोग ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको आप बोलिए, वो करा के देगा आपको विज़िट। बात कर लेते हैं कि कुर्ग और ऊटी में कितने कितने दिन चाहिए आप। तो कुर्ग में 2 दिन सफिशिएंट है, ऊटी में 3 दिन सफिशिएंट है, क्योंकि 3 दिन में आपको कुन्नूर भी इंक्लूडेड रहता है। और अगर बात कर लेते हैं फूड ऑप्शंस की, तो वेज काफ़ी जगह मिलता है, वेज का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, मगर वैसा टेस्ट नहीं मिलेगा, मगर वेज आपको सारी जगह मिलेगा। हम लोग शॉपिंग करने आए हैं तो आप लोग यहाँ पर काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं, वुलन की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, कैप मिलेगा, स्वेटर मिलेगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो आप लोग यहाँ से, अगर आप लोग ऐसी स्टेट में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ठंड पड़ती है, तो आप लोग यहाँ से खरीद सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और रीज़नेबल प्राइस भी आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं, आप लोग रुक के और लोकल शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल बैंड है, तो हम लोगों ने ऐसी प्लास्टिक बॉटल खरीदी 50-50 रुपये की। तो अगर आप लोग आ रहे हैं अपनी होम टाउन से तो आप लोग ऐसी बॉटल्स कैरी करो, या तो स्टेनलेस स्टील या तो तांबे की बॉटल कैरी करो, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ बैंड है। सो गाइस, अगर आप लोगों को कॉफ़ी खरीदनी है तो आप लोग कॉफ़ी भी खरीद सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ कॉफ़ी खरीदी है, 400 रुपये किलो कॉफ़ी है, एक फाइंड कॉफ़ी रहती है और एक फिल्टर कॉफ़ी रहती है, तो रेट तो सेम ही है। बाकी आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। सर, आपकी शॉप का नाम क्या है? लावण्या कॉफ़ी करके है। और ये कहाँ पड़ता है? ओमकारेश्वर टेम्पल रोड। तो ये लावण्या कॉफ़ी करके है टेम्पल रोड पे, काफ़ी रीजनेबल और अच्छी कॉफ़ी है, आप लोग भी यहाँ आके ले सकते हैं। हम लोगों ने तो ले लिया है 1/2 किलो।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को ये डिटेल में ये वीडियो देखने हैं तो मैंने पूरा सीरीज़ बनाया हुआ है, तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, आप लोग ज़रूर देखिए ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कोई भी कॉमेंट है और कोई भी क्वेरी है तो आप लोग ज़रूर मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।